हेलो दोस्तों, जो बागा बॉर्डर वाली विजिट थी वो मैंने मिस कर दी है ना। और कल मॉर्निंग में हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। तो अभी यार हम लोग ना राम तीर्थ जा रहे हैं, उसको ना वाल्मीकि भगवान का तीर्थ भी माना जाता है, तो वहीं के लिए जा रहे हैं। और तो अभी मैं आपको राम तीर्थ दिखाने वाला हूँ। राम तीर्थ के बाद कल हम बागा बॉर्डर की विजिट करेंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या चलने वाला है। अभी चलते हैं हम लोग राम तीर्थ की तरफ। हम लोग ना पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर आ चुके हैं। देखिए अभी भी बना है और इसमें एक सरोवर भी है जिसको माना जाता है कि उसको हनुमान जी ने खोद कर बनाया था। अब हम एंट्री कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है एंट्री करने के बाद। अभी आगे आपको बताता हूँ। यार सुंदर है ये बहुत। वो देखिए वहाँ पर ना हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है इन लोगों ने, कितना अच्छा लग रहा है। ओ वाह, मतलब आपको पैर धो के जाना होगा यहाँ से। ये देख रहे हो आप, मतलब पानी भरा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अ गोल्डन टेम्पल। जैसे हम गोल्डन टेम्पल में अपने पैरों को धोने के बाद हम लोगों ने एंटर किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो सरोवर है, इस सरोवर को मतलब इसकी मान्यता है कि इसको हनुमान जी हैं उन्होंने खोद कर निकाला था यहाँ पे पानी, इसीलिए इसको हनुमान जी का सरोवर भी कहा जाता है। ये है वो मंदिर यहाँ पर। ये वो आश्रम है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी, रामायण के रचयिता है, उन्होंने यहीं पर बैठकर अपनी रामायण को लिखा था। और जब राम जी ने सीता माता का परित्याग कर दिया था, उनके त्याग के बाद जिस आश्रम में उन्हें जंगे मिली थी वो यही आश्रम है वाल्मीकि जी का। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर लवकुश का भी जन्म हुआ था। लवकुश के जन्म के बाद आपने ये भी सुना होगा कि एक बार जो अश्वमेघ यज्ञ था उसमें घोड़े को छोड़ा गया था, तो उस घोड़े को जब पकड़ा था लवकुश ने, वो यहीं पर पकड़ा था, इसी आश्रम में यहीं पर वो पकड़ा गया था। और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने लवकुश को शिक्षा दी थी, उनको धनुष चलाना और जितने भी शस्त्र थे उनको चलाने के लिए जो उनको शिक्षा दी गई थी वो यहीं पर दी गई थी। राम जी का और लवकुश का युद्ध हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई है, इसीलिए ये माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का वही आश्रम है जहाँ पर उन्होंने बैठ के अपनी तपस्या की है या रामायण की रचना की है, वो सब यहीं पर हुआ है। आज मैं यहीं पर हूँ फाइनली। और काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार मैं तरह की वीडियो बनाऊँ कि मैं व्लॉगिंग करूँ, तो अच्छा हुआ कि गोल्डन टेम्पल के बाद मैं यहाँ पे आया और इस तरह के व्लॉगिंग करने में मुझे अच्छा भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ये सब इस मंदिर की मान्यता है और ये मंदिर यहाँ के लिए इसीलिए फेमस है। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर मंदिर लग रहा है ना। मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ, अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और अगर कुछ स्पेशल है वो सब चीज़ें देखते हैं। ये मतलब एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। आप देख सकते हो कि मेरे अलावा भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं और फाइनली मैं भी पहुँच गया हूँ। तो चलो बने रहना आप लोग वीडियो के साथ, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ कि क्या क्या है, सबके बारे में हम बात करेंगे।